हेलो दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी के उपन्यास का 30 मार्कांक का चौथा भाग। रिवाल्वर दिखते ही जुगल किशोर झुका। मामला टेढ़ा है, चलना तुम्हें ही पड़ेगा जुगल किशोर। उस बेवकूफ़ से बात भी करनी पड़ेगी, फैसला कर लो। मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शोर शराबा हुआ तो तुम्हें ही नुकसान होगा। उसकी आवाज़ में शक्ति आ गई थी। जुगल किशोर ने उसकी रिवाल्वर पर निगाह मारी, फिर उसे देखा। मुझे क्या नुकसान होगा, ज़्यादा सवाल मत करो। चलते हो या नहीं, हाँ या ना कहो। इनकार करने में काम नहीं चलने वाला था। जुगल किशोर इस बात से वाकिफ हो चुका था। चलो, तुम्हारी समझदारी का दरवाज़ा बहुत देर बाद खुलता है। शुक्र करो खुल गया, जुगल किशोर ने तीखे स्वर में कहा। वरना जब तुम जैसे की शक्ल सामने आती है तो दरवाज़ा हिलने से भी इनकार कर देता है। उसने जुगल किशोर को घूरा। तुम्हें रिवाल्वर से डर नहीं लगता? अब तुम बेकार का सवाल कर रहे हो। चलो अपने उस बेवकूफ के पास। जुगल किशोर का सर सख्त हो गया था। उसने रिवाल्वर जेब में डाली। जुगल किशोर उसके साथ कमरे से बाहर निकल गया। आगे बढ़ते हुए एक निगाह रमा गोलियानी के सूट पर मारी। दरवाज़ा बंद था तब। जुगल किशोर उसके साथ होटल के बाहर निकला और उसके साथ साथ आगे बढ़ गया। बाहर तीखी धूप थी, सड़क पर वाहन रफ्तार के साथ दौड़ रहे थे। वे दोनों फुटपाथ पर चलने लगे। सारा दिन धूप में चलना मैं पसंद नहीं करता, जुगल किशोर ने उखड़े स्वर में कहा। अभी तो 4 कदम ही चले हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। कौन से शाही खानदान से वास्ता रखते हो, मैं भी तो जानूं किस खानदान में 4 कदम चलना बहुत होता है। मेरे खानदान के बारे में ना ही जानो तो बेहतर रहेगा। क्यों, वो सारे जेल में हैं क्या? नहीं, वो सब मर चुके हैं, जुगल किशोर ने खा जाने वाले स्वर से कहा। तो आखिरी चिराग तुम ही बचे हो, तुम कैसे बच गए? तब तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी, मतलब कि अब देख ली और मरने का इरादा बना लिया, उसने कड़वे सर से कहा। खूब, अपनी शक्ल में खूबी में ही नहीं जानता, अच्छा हुआ तुमने। जुगल किशोर ठिठक कर उसे घूरने लगा। वह भी रुका। क्या हुआ? इससे ज़्यादा मैं नहीं चलूँगा, जुगल किशोर ने ताज पीट कर कहा। वो सामने देखो सफ़ेद कार, वहाँ तक जाना है, उसने गंभीरता से कहा। जुगल किशोर ने उधर देखा। सिर्फ 100 कदमों के फासले पर वो सफ़ेद विदेशी कार खड़ी थी। उसके काले शीशे स्पष्ट नज़र आ रहे थे, महंगी कार थी। जुगल किशोर के चेहरे के अजीब से भाव उभरे। वो मुझसे बात करना चाहता है, वो इस कार में है, जुगल किशोर ने कहा। उसने सहमति से सिर हिलाया। जुगल किशोर बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा, वो साथ था। दोनों कार के पास पहुँचे। शाह शीशों के पार कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जुगल किशोर ने सवालिया निगाहों से अपने पास खड़े व्यक्ति को देखा। कार चलाना जानते हो, उसने पूछा। हाँ। इस कार को चला लोगे, विदेशी है? हाँ। जुगल किशोर ने कार पर निगाह मारी। तो ड्राइविंग सीट तुम्हारे लिए खाली है, दरवाज़ा खोलो और भीतर बैठ जाओ। क्या मतलब? जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसने स्थिर लहजे में कहा। चिंता मत करो, कोई गलत बात नहीं हो रही है। तुम्हारी जान को या हाथ पाँव में को किसी भी तरह का अभी तक तो खतरा नहीं है, जुगल किशोर ने उसे घूरा। फिर आगे बढ़कर ड्राइविंग डोर खोला और भीतर बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके साथ ही उसने गर्दन घुमाकर पीछे वाली सीट पर निगाह मारी। वो 55-60 की उम्र के बीच का था। सिर के बाल काले सफ़ेद थे, आंखों पर नज़र का चश्मा चढ़ा रखा था। जुगल किशोर की आंखों को धोखा होने का सवाल ही नहीं था। चश्मे का फ्रेम खालिस सोने का था, गले में सोने की बारी चेन थी, दाएं हाथ की दो उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहन रखी थी, जिस पर बेशकीमती दो हीरे जड़े हुए थे। जुगल किशोर ने फौरन हिसाब लगाया कि दोनों हीरे 20 लाख के कम से नहीं थे। बदन पर सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पेंट थी।
जुगल किशोर निचले होठ को दांतों से चबाने लगा। अगर उसकी सोचे गलत नहीं थी तो कार में बैठा इंसान सतपाल गोलियानी है, इसके अलावा और कोई नहीं था। जुगल किशोर है तुम्हारा नाम? उसकी आवाज़ धीमी और शांत थी। हाँ, जुगल किशोर के होठों से निकला। मुझे जानते हो, उसका लहजा पहले वाला ही था। नहीं, कार आगे बढ़ाओ, लेकिन आप यहाँ से चलो। जो तुम पूछना चाहते हो पूछ लेना, जो मैं बात करना चाहते हैं वह भी हो जाएगी। जुगल किशोर ने सोच भरे ढंग से सिर हिलाया, फिर सीधा बैठते हुए स्टेयरिंग के आसपास नज़र मारी। दो पल में ही उसने कार का सिस्टम समझा। कार स्टार्ट करते हुए उसने बाहर निगाह मारी। उसे यहाँ लाने वाला फुटपाथ पर धूप में खड़ा था, जबकि कार के भीतर एसी की ठंडक थी। जुगल किशोर ने कार आगे बढ़ा दी। कहाँ जाना है? जो जगह तुमने ठीक लगे वहीं चलो, कुछ देर तुमसे बात करनी है। इसका स्वर शांत था। मेरे ख्याल में ऐसे मौसम में कार से बढ़िया जगह और क्या हो सकती है बात करने के लिए? तो कार को किसी ठीक जगह पर पार्क कर लेना। तुमसे जो बात करनी है वो चलती कार में नहीं हो पाएगी। जुगल किशोर ने जवाब में कुछ नहीं कहा। 15 मिनट बाद जुगल किशोर ने खाली सी लगने वाली सड़क के किनारे पेड़ की छाया में कार रोकी और इंजन बंद करके पीछे बैठे व्यक्ति को गर्दन घुमाकर देखा। यह जगह अच्छी है, बाहर निकलकर छाया में बात करते हैं, जुगल किशोर ने कहा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, प्ले को स्विच ऑन करो। प्ले का? हाँ, कार में लगा टेप रिकॉर्डर ऑन करना है। चेहरे पर उलझन के भाव समेटे जुगल किशोर ने हाथ बढ़ाया और टेप का प्ले दबा दिया। अगले ही पल मस्तिष्क में धमाका फूटा। सबकाया सा हड़बड़ाकर उसने पीछे बैठे व्यक्ति को देखा। कार में टेप चल रही थी और आवाज़ें आ रही थी उसकी, और रमा गोलियानी की बातें सुनाई दे रही थी। बातों का मुद्दा 20 करोड़ के मुंबई से आने वाले जेवरात ही थे, जिसके बारे में रमा गोलियानी कह रही थी कि उन्हें लेकर वह दोनों कहीं दूर निकल जाएंगे। जुगल किशोर ने फौरन हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया। चेहरे पर सख्ती सी आ गई। उसने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर पेड़ की छाँव में आ खड़ा हुआ। दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसके पास पूरा कच्चा चिट्ठा है और वह और रमा गुलियानी क्या करने जा रहे हैं। वह भी कार से निकलकर उसके पास पहुंचा, पैकेट निकाला, उसकी तरफ बढ़ाया। जुगल किशोर ने बिना कुछ कहे सिगरेट ली। दोनों ने सुलगाई। देखने में जुगल किशोर सामान्य नज़र आ रहा था, लेकिन वह ही जानता था कि मामला खुल जाने की वजह से भीतरी तौर पर वह किस कदर बुरे हाल में है। अब पहचाना मुझे? उसने शांत स्वर में पूछा। नहीं, सड़क पर निगाह दड़ाते जुगल किशोर ने ढीठता से कहा। तुमने पूछा नहीं कि तुम्हारी वह बातें जो छिपकर की गई थी वह टेप कैसे हो गई? मैंने पूछने की जरूरत इसलिए नहीं समझी कि यही सब कहने सुनने के लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो, तो खुद ही बताओगे। वो मुस्कराया, पहली बार मुस्कराया। मेरा नाम सतपाल गोलियानी है। जुगल किशोर के चेहरे पर कोई नया भाव नहीं उभरा। यह बात तो पहले ही महसूस कर चुका था वह। मैं रमा का पति, जिसका 20 करोड़ तुम उड़ा ले जाने की फिराक में हो। उसका सर शांत ही था। मैं नहीं, यह काम तुम्हारी बीबी कर रही है। इस मामले में क्या तुम अपनी बीबी का ड्राइवर ही कहो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जुगल किशोर ने तीखे स्वर में कहा। वो ही मुझे ले भागने की तैयारी कर रही है। सतपाल गुलियानी मुस्कराया। मेरे पास तुम दोनों की सारी बातों की रिकॉर्डिंग है। इन बातों की भी, जब तुमने उसके जेवरात छुराए थे, उसने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। उन सब बातों से जाहिर होता है कि तुम अपने तीर पर उसे फंसा रहे हो और रमा तुम्हें अपने तौर पर फंसा रही है। साला दिमाग भी रखता है, जुगल किशोर ने सोचा। तुम दोनों की बातचीत की कैसेट पुलिस को दे दूं तो बचोगे नहीं। मुझे क्यों डराते हो? यह बात जाकर अपनी बीबी से कहो, सतपाल गुलियानी पुनः मुस्कुराया। कैसेट में दर्ज बातों को सुनकर जाना कि
उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या कहा, लेकिन यह मेरे लिए नया नहीं है। जिसको भी वह जाल में फंसाती उसे यही कहती है। इस मामले में मैं तुम चौथे इंसान हूँ। क्या मतलब? जुगल किशोर ने उसे देखा। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ समझाता बताता हूँ। उसके बाद फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हारे हक में अच्छा है क्या अच्छा है, कहकर सतपाल गुलियानी ने शांत पाँव से कश लिया। अब यह साला कोई नया बम फोड़ेगा, जुगल किशोर ने सोचा। रामा ने तुमसे कहा है वो झूठ है, सतपाल गुलियानी ने कहा। यह सच है कि रमा बहुत महंगी कालगढ़ थी। एक रात के लिए 2 से 5 लाख लेती थी, लेकिन मैं उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं था। जाने कब उसने मुझे देखा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझ जैसे अरबपति दौलतमंद व्यक्ति को फंसाने और शादी करने की उसने पूरी योजना बना ली थी। बकायदा रमा ने एक बंगला किराए पर लिया, अपने लिए नकली माँ बाप का इंतजाम किया। एक पार्टी में जब रमा पहली बार मुझे मिली तो खुद को बहुत बड़े खानदान की इकलौती औलाद बताया। वो खुद को छोटे खानदान की भी बताती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी और पहली बार में ही मैं उसे पसंद करने लगा था। एक मुलाकात के बाद चंद और मुलाकातें भी हुई। खैर, 3 साल पहले मैंने उसे शादी कर ली। यह मेरी पहली और आखिरी शादी थी, क्योंकि तब तक मैंने शादी नहीं की थी और शादी करने के बाद दोबारा शादी करने की इच्छा भी नहीं रखता। जुगल किशोर बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। सतपाल गुलियानी ने गंभीर अंदाज में कश लिया। शादी के फौरन बाद ही उसके नकली माँ बाप गायब हो गए, किराए का बंगला खाली हो गया। रमा ने शादी से पहले जो ढांचा तैयार किया था अपने परिवार का, वो सब जादू वाले डंडे के जोर से गायब हो गया। पूछने पर वो यही कहती रही कि माँ बाप तीर्थयात्रा पर गए हैं। साल भर ऐसे ही बीत गया। धीरे धीरे उसकी असलियत खुलने लगी थी मेरे सामने। वो शराबी थी, अय्याश थी। मेरे पीठ पीछे वो मर्दों से संबंध बनाए हुए थी। उसके साथ सोने के बदले तगड़ा पैसा लेती थी। इसकी निगाहों में मर्द के साथ सोने की कीमत पैसा थी, जबकि मेरे पैसे के दम पर वो तमाम उम्र ऐश कर सकती थी, लेकिन उसे इंतजार करने की आदत नहीं है। क्या मतलब? उसकी हरकतें मेरे सामने खुली तो मैंने सख्ती से टोका। तब उसने ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ जैसे शादी करके मेरी मालकिन बन बैठी हो। हालातों से समझौता करने की उपेक्षा मैंने उस पर शक्ति करनी शुरू कर दी। खर्चने के लिए खुला पैसा न देता, बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। मैंने तो सोचा था कि मेरी शक्ति से समझ आ जाएगी और बाकी की ज़िंदगी शराफत से बिताएगी, लेकिन रमा ने जो किया उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या किया था उसने? जुगल किशोर के होंठ सिकुड़े। रमा जानती थी कि सोने से पहले मुझे दूध का गिलास पीने की आदत है। नौकर जब दूध तैयार कर रहा था तो उसकी निगाहों से बचकर रमा ने दूध में बहुत तेज जहर डाल दिया। यह तो उस नौकर की मेहरबानी से मेरी जान बच गई थी कि दूध लाते वक्त रास्ते में उस दूध का स्वाद चखने की आदत होती थी। उसने गुड़ भरा और मर गया। तब बंगले पर मेरे साथ रमा और उस नौकर के अलावा और कोई नहीं था। पुलिस आई, छानबीन हुई, शक रमा पर हुआ पर और रमा के कमरे की तलाशी में बचा हुआ जहर भी मिल गया। यानी कि ये बात तो साफ हो गई कि रमा ने मेरी जान लेने की कोशिश की, दूध में जहर डाला था, लेकिन मर गया नौकर। पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे उसे सच बोलना पड़ा, यानी कि उसने कहा कि वो मेरी जान लेना चाहती थी ताकि मेरी दौलत की मालकिन बन सके। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो मेरे पांव पे गिरकर रोई, तड़पी, माफ़ी मांगी कि मैं उसे बचा लूँ। वह मेरी बांदी बनकर रहेगी और मैं भी उसे जेल की इतनी आसान ज़िंदगी कैसे दे सकता था।
क्योंकि वो तो मेरी जान लेना चाहती थी। फिर तुमने क्या किया? मैंने पुलिस का तगड़ा पैसा देकर उसी वक्त सारा केस दबा दिया और पुलिस के सामने ही रमा से कागज़ पर यह लिखवा दिया कि उसने जहर देकर नौकर को इसलिए मारा था कि वो उसके साथ सोने को तैयार नहीं था। जब वो कमीनी हरकतों पर आ गई थी तो फिर मुझे किसी शर्म। उसके बाद जब से मैंने अपनी वसीयत की कि मेरी मौत के बाद मेरी सारी दौलत गरीबों को, अंधों को दान दी जाए, अस्पताल बनाया जाए और यहाँ ऐसी ही जगहों पर लगाया जाए, रमा के नाम एक पैसा भी नहीं रखा। साथ में यह भी तरहीर रखी कि अगर किसी भी तरीके से मेरी हत्या हो तो रमा को हत्यारी मानकर पुलिस छानबीन करे। इस वसीयत की कॉपी मैंने रमा को ही थमा दी और नौकर को जहर देने वाले बयान का कागज वसीयत के साथ लगाकर रमा के सामने बैंक लॉकर में रख दिया, जहां मैंने हिदायत दे दी थी कि मेरी मौत के बाद मेरे वकील और पुलिस के सामने लॉकर खोला जाए। चूंकि यह सब मैंने रमा को दिखाकर किया इसलिए वह पूरी तरह हर बात से वाकिफ थी, यानी कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसकी ऐश है, मेरी मौत होते ही फुटपाथ पर आ जाएगी। वो तलाक मांगती है जो कि मैं नहीं देता, मेरी जान वो ले नहीं सकती क्योंकि ऐसा करते ही सबसे पहले वो फंसेगी, यानी कि उसकी ज़िंदगी की खाने पीने की डोर सब मेरे साथ बन चुकी है। मैं जहाँ जाता हूँ उसे साथ रखता हूँ ताकि कोई गलत काम न कर सके, मुझे छोड़कर भी नहीं भाग सकती क्योंकि नौकर की हत्या का इल्ज़ाम उस पर है, उसका लिखा बयान उसे फंसा सकता है। इस पर भी मैंने दो प्राइवेट जासूसों को 24 घंटे उसकी निगरानी पर लगा रखे हैं ताकि हर हरकत की खबर मुझे मिलती रहे। अब समझा, जुगल किशोर ने सिर हिलाया। रमा के पास अब एक ही रास्ता है, तगड़ी दौलत हाथ में आए तो खामोशी से वो खिसक ले। इतना हौसला वाला कदम तो वो खुद उठा नहीं सकती, तो इसलिए तुम्हारे जैसे साथी को ढूंढती फिरती है। तुमने बताया कि मैं चौथा हूँ, मुझसे पहले भी उसने 3 को फांसा था। हाँ, तो उसके साथ भी तुमने इसी तरह बात की थी? हाँ, इसी तरह बात की थी। समझाया, दो तो मान गए, अपने अपने रास्ते पर लग गए, तीसरा नहीं माना। नहीं, रमा की खूबसूरती का जादू उसके सिर पर चढ़कर बोला, उसका सिर तोड़ना पड़ा। सिर तोड़ना पड़ा? हाँ, कैसे पर मत जाओ, इतना जान लो कि तीसरा मर चुका है। सतपाल गुलियानी की आवाज़ शांत थी, मतलब कि मैं चौथा हूँ, अगर तुम्हारी बात नहीं माना तो मैं भी मर जाऊँगा, समझदार हो। यह तो सरासर जाती हुई, तुम्हारी बीवी मुझे पटा रही है और सजा भी मुझे ही मिले। कुछ भी कह लो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि रमा को कोई सहारा दूँ। किसी का सहारा पाकर वह बड़े से बड़ा काम कर जाएगी। वैसे अकेली कुछ करना उसके वश में नहीं है, जैसी ज़िंदगी वह जी रही है इसी काबिल है वो। मैं उसकी यह हालत कर देना चाहता हूँ कि तंग आकर वह खुद अपनी जान दे दे। बाग वह इसलिए नहीं सकती कि मेरे दो समझदार जासूस 24 घंटे उस पर नज़र रखते हैं। उन जासूसों के बारे में जानती है वो? मैं नहीं जानता और मुझे परवाह नहीं कि वो जानती है या नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपनी स्थिति ऐसी बना चुकी है कि मेरी किसी हरकत पर एतराज़ उठाने के काबिल नहीं रही। सतपाल गुलियानी ने उसे देखा। जुगल किशोर ने सिर हिलाया। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या तुम्हारे जासूसों ने सूट में कुछ लगा रखा होगा कि वहाँ होने वाली बातचीत टेप कर सके, सुन भी सके, लेकिन जो बातें उसने मेरे कमरे में आकर की वह बातें उस कैसे टेप होकर तुम्हारे पास पहुंच गई? जुगल किशोर ने पूछा। इन सवालों का जवाब तुम्हें मिले या न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुमने कहा है उस पर ध्यान दो। तेरी जरा भी धमकी से तो मैं 20 करोड़ छोड़ दूंगा। हो सकता है मैं सब बातें जाकर रमा को बता दूँ, जुगल किशोर ने कहा। सतपाल गुलियानी ने सख्त निगाहों से जुगल किशोर को देखा। घूरता है साला,
इन बातों को मेरी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी सेहत पर फ़र्क पड़ सकता है। जुगल किशोर ने सिर हिलाकर सिगरेट छुलकाई। क्या फैसला किया, किस बारे में? ज़्यादा चालाक मत बनो, मेरी सुनो। सतपाल गुलानी का सर सख्त हो गया था। यहाँ से सीधा होटल जाओ और रमा से मुलाकात किए बिना होटल खाली करके चले जाओ। दोबारा कभी रमा के बारे में सोचना भी मत। मैं अभी होटल नहीं छोड़ सकता। जान गंवाना चाहते हो? इसमें जान गंवाने की बात कहाँ से आ गई? इस शहर में मुझे अभी काम है। यहाँ से जाने में 2-3 दिन भी अभी लग ही जाएंगे। रही बात तुम्हारी बीवी से मिलने की, तो तुम्हारी बात मानकर उससे नहीं मिलता। अगर तुम्हें इस शहर में काम है तो किसी दूसरे होटल में टिक जाओ। इस होटल का इसकी मैं जरूरत नहीं समझता, मिस्टर सतपाल गुलियानी। जुगल किशोर की आवाज़ में सख्ती आ गई। मैं तुम्हारी जायज बात को वो मैंने मान ली, जो नाजायज है वो नहीं मानूंगा। इतना वायदा करता हूँ कि जब भी तुम्हारी बीबी मुझसे मिलने आएगी उसे वापस भेज दूंगा। मेरी सहायता से वो भागने का प्रोग्राम बनाए बैठी है, उस प्रोग्राम से मैं पीछे हट जाऊंगा। तुम्हारी बीबी से मैं कोई वास्ता नहीं रखूंगा, लेकिन अपना आर्डर मुझ पर चोपने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसे आर्डरों को मैं नहीं मानता। सतपाल गुलियानी तीखी निगाहों से उसे देखता रहा। अगर तुम रमा से मिले तो भाई मेरे मैं नहीं मिलूंगा, लिख कर दूँ क्या? लेकिन यह तो मेरे से मिलने आएगी, एक दो बार आएगी, बार बार मेरा इनकार सुनकर पीछे हटकर जा बैठेगी। कम से कम मैं उससे नहीं मिलूंगा। यह बात अपने जासूसों से पूछ लेना, और मेरे से रमा की जो बातें होगी वो तो तुम तक पहुंच ही जाएगी। तसल्ली से उन बातों को भी सुन लेना, उससे तुम्हारे दिल में ठंडक पहुंचेगी। सतपाल गुलियानी कई पल तक खामोश रहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, इसके सिवाय तू कर भी क्या सकता है। लेकिन अपनी बात से फिरकर रमा से कोई वास्ता रखने की चेष्टा की तो अंजाम की तुम ही जिम्मेदार होगे। तुम्हारी बीबी से अब मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। बार बार ये बात मत कहो, जुगल किशोर ने कस लिया। एक सलाह तुम्हें अवश्य दूंगा कि अपनी बीबी का इंतजाम करो। इस तरह किस किस को समझाते रहोगे कि तुम्हारी बीबी ठीक नहीं है, उससे दौलत की लालच में तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। इन हालातों में सबसे ज़्यादा समझदार वाली बात तो यह है कि उसे तलाक देकर उसको अपने पास से दूर कर दो। मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। चलो, कहाँ? वापस होटल में, मेरा आदमी वहाँ इंतजार। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, यहाँ तक कार ले आया हूँ, बहुत है। अब तुम ही ड्राइव करके वापस जाओ। सतपाल गुलियानी की निगाहें जुगल किशोर के चेहरे पर टकी। तुम्हें होटल नहीं जाना क्या? मेरा टाइम टेबल जानने की कोशिश क्यों करते हो? पहले की बात और थी, तुम्हारी बीवी के चक्कर में पड़कर अपने काम छोड़ बैठा था, इसलिए होटल में पड़ा रहता था। अब मुझे अपने काम में निपटाने हैं। सतपाल गुलियानी ने सिर हिलाया, आंखों पर मौजूद सोने की कमानी वाला चश्मा ठीक किया और कार के पास जा पहुंचा। देखते ही देखते ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार आगे बढ़ा दी। जुगल किशोर तब तक कार को देखता रहा जब तक कि वह निगाहों से ओझल नहीं हो गई, और जुगल किशोर सोच रहा था कि रमा गुलियानी के साथ होने वाली बातचीत की कैसे रिकॉर्ड होकर सतपाल गुलियानी के पास कैसे पहुंच जाती है। गुलियानी के दोनों जासूस बातचीत को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, खास तौर पे उसके कमरे में होने वाली बातों को कैसे रिकॉर्ड हो जाती है। वहीं खड़ा जुगल किशोर सोचता रहा और सोचता रहा। जुगल किशोर शाम 5 बजे वापस होटल पहुंचा। इस दौरान वह सोच चुका था, तय कर चुका था कि क्या कैसे करना है। 20 करोड़ का माल छोड़ने का तो कोई तुक ही नहीं था। साथ में लेटर का मीडियम साइज का कीमती सूटकेस था जो कि खाली था। वह सीधा अपने कमरे में पहुंचा और सूटकेस को एक तरफ रखकर कागज पेन उठाकर उस पर कुछ लिखने लगा। 10 मिनट बाद लिखने से फुर्सत पाई और कागज तय करके जेब में रखा। फिर रूम सर्विस फोन करके कॉफ़ी के लिए कहा और सिगरेट सुलगाकर सोफा चेयर पर बैठ गया।
10 मिनट में ही वेटर महेश ट्रे पर रखी कॉफ़ी ले आया। कैसे हो महेश? जुगल किशोर मुस्कुराया। आपकी मेहरबानी है साहब, वो टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए बोला। रमा गुलियानी भी शाम को चाय कॉफ़ी लेती है? जुगल किशोर ने पूछा। हाँ साहब जी। आई ऑर्डर मिला रामा गोलियानी का? अभी नहीं साहब जी। जब ऑर्डर मिले और वहाँ चाय काफ़ी सर्व करो तो जाते वक्त मुझसे मिलते जाना। कोई ख़ास बात साहब जी? हाँ ठीक है साहब जी। गोलियानी मैम साहब को चाय काफ़ी देने से पहले आपके पास आऊँगा, कहकर वो बाहर निकल गया। जुगल किशोर ने काफ़ी का प्याला उठाया और गूंथ भरने लगा। आधे घंटे के बाद वेटर आया, ट्रे में केतली और कप प्लेट था। साहब जी, गुलियानी मैम साहब के पास चाय सर्व करने जा रहा हूँ, वेटर ने कहा। जुगल किशोर ने सिर हिलाया, फिर खड़े होते हुए जेब से पर्स निकाला, उसमें से 500 रुपये निकाल कर आगे बढ़कर उसकी जेब में टूसे और मुस्करा कर बोला, 500 है। शुक्रिया साहब जी, उसने दांत फाड़े। मुझे क्या करना होगा? जुगल किशोर ने तय किया कागज उसकी कमीज की ऊपरी जेब में डाला। ये रूमा गुलियानी को दे देना, गुलियानी मैम साहब कहीं बुरा ना मान जाए। नहीं मानेगी, तुम इस बारे में किसी से बात मत करना। जी साहब जी, एक खास बात। वेटर ने प्रश्न भरी निगाहों से जुगल किशोर को देखा। यह कागज देते समय मुंह से कुछ मत कहना और रमा गुलियानी को भी खामोशी का इशारा कर देना कि इस बाबत वो कुछ न बोले। काम ऐसे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर भी मैम साहब ने कुछ बोला तो तुम्हारा इशारा करने के बाद वो नहीं बोलेगी, समझ गए? जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। वेटर बाहर निकल गया। स्वीट का दरवाज़ा खुला। वेटर ने दरवाज़ा थपथपाया तो भीतर से रमा गुलियानी की आवाज़ आई, कम इन। वेटर भीतर प्रवेश कर गया। रमा गुलियानी कमी सलवार पहने सिगरेट सुलगाए बैठी थी। गुड इवनिंग मैम साहब, जवाब में रमा गुलियानी ने सिर हिलाया। वेटर ने आगे बढ़कर ट्रे को टेबल पर रखा और चाय तैयार करते हुए कप में डालने लगा। फिर चाय का कप टेबल से उठाया और पास पहुंचकर उसे दिया। मैम साहब चाय। थैंक्स, रमा गुलियानी ने चाय का प्याला लिया। तभी वेटर ने उंगली को अपने होठों पर रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसे ऐसा करते पाकर रमा गुलियानी की आंखें सिकुड़ी। वेटर ने जेब से तह किया कागज निकालकर टेबल पर रखा और इशारे से बताया कि साथ वाले साहब ने दिया है। रमा गुलियानी के चेहरे पर उलझन गिरी हुई थी। मैं जाऊं मैम साहब? हाँ, रमा गुलियानी ने सिर हिलाते हुए वेटर को कहा, बाहर निकला। उसके जाते ही रमा गुलियाना उठी, चाय का प्याला टेबल पर रखकर सबसे पहले उसने स्वीट का दरवाज़ा बंद किया, फिर आगे बढ़कर टेबल पर रखा कागज उठा और उसे पढ़ने लगी। जुगल किशोर के कमरे का दरवाज़ा खुला था। करीब एक घंटे बाद रमा गुलियानी ने भीतर प्रवेश किया। दौलत के फ्लेवर के बिना वो उतनी ही हसीन नज़र आ रही थी जितनी कि दौलत के फ्लेवर के साथ हसीन नज़र आती थी। इस समय उसके बदन पर सादा सा सूट था, गले में कानों या कलाइयों पर कोई इस तरह का जेवर नहीं था। जुगल किशोर ने दो पलों ने सिर से पांव तक उसे चेक किया। अगले ही क्षण उसकी नज़रें रमा गुलियानी के हाथ में फंसी 3 अंगूठियों पर जा टिकी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, जुगल किशोर जल्दी से कह उठा, आइए मिसेज गुलियानी। कहने के साथ ही जुगल किशोर ने आँखें दबाई। मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, रमा गुलियानी उसे घूरने लगी। जुगल किशोर ने इशारे में उसे कहा कि वो बोले। मेरा इंतज़ार? उसके स्वर में अजीब से भाव थे। हाँ, जुगल किशोर ने कहा और इशारा किया कि हाथ की उंगलियों में फंसी अंगूठियाँ निकाल कर उसे दे। दरअसल आपके और मेरे बीच जो प्रोग्राम बना था, अब मैं उस मामले में आपका साथ नहीं दे सकता, रमा गुलियानी के हाथ की उंगलियों में फंसी अंगूठियाँ निकालते हुए बोली। कैसा प्रोग्राम? यही कि 20 करोड़ की दौलत के साथ तुम्हें भी ले भागूँ। अब मैं इस काम में आपका साथ नहीं दूंगा। रमा गुलियानी 3 अंगूठियाँ उतार चुकी थी। जुगल किशोर ने आगे बढ़कर उन अंगूठियों को लिया और ध्यान से उन्हें देखने लगा। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो जुगल किशोर? रमा गुलियानी की निगाह अंगूठियाँ चेक करते हुए जुगल किशोर पर थी। वो 20 करोड़ के जेवरात आज या कल में आने वाले होंगे। किसी की बीवी को लेकर भागने की में समझदारी नहीं है। दूसरे की दौलत लेकर तो भागा जा सकता है, मैं इस मामले में पीछे हटता हूँ।
या अच्छा यही होगा कि तुम इस काम के लिए किसी दूसरे का इंतजाम कर लो। तुम मुझसे प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज़्यादा मुझे चाहते हो। ऐसा सोचना और कहना मेरा पागलपन था। अब मुझे अक्ल आ गई। जुगल किशोर की निगाह एक अंगूठी के नक पर जा टिकी थी। नीले रंग का बहुत खूबसूरत हीरा जड़ा था उसमें। निगाह टिकने की वजह थी उस हीरे के किनारों पर तो हल्का रंग था, परंतु भीतर से वह कालापन लिए गहरा था। जुगल किशोर ने अंगूठी को पलटकर भीतर की तरफ से देखा। अगले ही क्षण वो चौंका, साथ में उसकी आंखें सुकड़ गई। सतपाल गुलियानी जैसे जेवरातों के व्यापारी के लिए यह सब करना मामूली बात थी। हीरे को सफाई के साथ भीतर से तराश कर कटोरी की तरह खाली किया गया था और उसके बाद मक्खी के आकार का मग खूबसूरती के साथ इस तरह फिक्स कर दिया गया था कि वह हीरा ही लगे, अंगूठी का ही हिस्सा लगे। बग जापान का आविष्कार था। यह यंत्र जिसके पास हो उसकी बातें 500 मीटर दूर तक सुनी जा सकती है। अब जुगल किशोर को समझ आया कि सतपाल गुलियानी के जासूस कैसे उनकी बात सुनते थे और ईयरफोन पर सुनते हुए उनकी बातों को रिकॉर्डिंग का भी इंतजाम कर रखा था। जुगल किशोर ने रमा गुलियानी को इशारा किया कि वह बोले कि टेबल के पास पहुँच कर वहाँ पड़े पेड़ के कागज पर जल्दी जल्दी कुछ लिखने लगा। तुम बहुत गलत फैसला कर रहे हो। तुम्हारे इस फैसले में से तुम करोड़ों का नुकसान के साथ मुझे भी गंवा रहे हो। मुझ जैसी खूबसूरत युक्ति तुम्हें दूसरी नहीं मिलेगी। जितनी वफादार मैं तुम्हारी हो सकती हूँ, दुनिया में उतना और कोई भी तुम्हारा वफादार नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूँगी। बाढ़ में गया तुम्हारा प्यार और तुम। जुगल किशोर पेड़ का कागज थक करता हुआ आगे बढ़ा और अंगूठियों के साथ कागज भी उसे थमाया। दफा हो जाओ यहाँ से और फिर मुझे अपनी सूरत भी मत दिखाना। कहने के साथ ही जुगल किशोर ने उसे कागज़ पढ़ने को कहा। रमा गुलियानी ने कागज़ पढ़ा और फौरन ही बोली, कुएं में जाओ। अब मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत हो गई है। तुम जैसे कमीने इंसान से मैं सपने में भी वास्ता नहीं रखना चाहती। दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। रमा गुलियानी की आवाज़ में खा जाने वाले भाव थे। उसके साथ ही वह पलटी और पांव पटकती बड़बड़ाती कमरे से बाहर निकली और 10 कदम दूर रहकर अपने सूट के दरवाजे पर पहुंची। उसे खोला और बड़ाक से बंद कर दिया। समझता क्या है अपने आप को कुत्ता कहीं का? कभी चोर बनकर मेरे गहने चोरी करेगा और कभी संतों की तरफ बातें करने लगेगा। पागल है पागल। अच्छा हुआ जो वक्त पर मालूम हो गया, कहीं बाद में मेरा गला दबा देता तो अपनी जान गंवानी पड़ती। मैं ही गलत इंसान से रिश्ता जोड़ बैठी। बड़बड़ाते हुए वह टेबल के पास पहुंची और आहिस्ता से अंगूठियों को टेबल पर रखा। कागज़ जमीन कमीज के बीच छातियों में फंसा और दबे पाँव बे आवाज़ पलट कर दरवाजे के पास पहुंची और सावधानी से बिना आवाज़ के दरवाज़ा खोला। बाहर निकल कर बिना आवाज़ ही बंद किया। गैलरी खाली थी। जो वो पुनः जुगल किशोर के कमरे में पहुंच गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। आओ जुगल किशोर, मुस्कराया, बैठो। यह सब क्या तमाशा है, रमा गुलियानी तीखे स्वर में बोली। दोनों बार तुमने कागजों पर जो लिखा, तुम पर विश्वास करके मैंने वही किया। आखिर बात क्या है जो तुम इस तरह अंगूठियां रखाई, जुगल किशोर ने पूछा। हाँ, कहने के साथ ही रमा गुलियानी आगे बढ़ी और सोफे पर बैठ गई। दोनों कागज़ कहाँ हैं जो मैंने लिख कर दिए थे? रमा गुलियानी ने अपनी कमीज के भीतर हाथ डाला और दिल के साथ सटा रखे दोनों पत्रों को निकाला और जुगल किशोर की तरफ बढ़ाया। जुगल किशोर ने उन कागजों को लेकर फाड़ा और डस्टबिन में डालने के पश्चात सोफे पर बैठा और सिगरेट सुलगाई। वो उलझन भरी निगाहों से उसे देख रही थी। ये सब रमा गुलियानी ने कहना चाहा। तुम नीले हीरे वाली अंगूठी कब से पहन रही हो, जुगल किशोर ने पूछा। करीब 1.5 साल थे। क्यों, इस अंगूठी को तुम उतारती नहीं? नहीं, वो नीला हीरा बहुत कीमती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सतपाल से कहकर मैंने खास तौर से वो अंगूठी बनवाई थी। मुझे याद है कि मैंने अभी नहीं उतारा है। जुगल किशोर मुस्कराया कर कष्ट लिया। बात क्या है? करीब 12 बजे तुम्हारा पति सतपाल गुलियानी मुझे मिला था, जुगल किशोर बोला। रमा गुलियानी चौंकी। वो तुम्हें मिला? उसके होठों से निकला कहा
क्यों? सतपाल का एक आदमी आया और मुझे रिवाल्वर दिखाकर होटल से बाहर ले गया, जहां वह अपनी विदेशी सफ़ेद कार में बैठा था। बतौर ड्राइवर उसने मुझसे कार चलवाई और अकेले में ले जाकर बात की। क्या बात की? रमा गुलियानी हैरान परेशान सी हो रही थी। सबसे पहले तो यह जान लो कि हमारे बीच जो बातचीत हो रही थी, जो प्रोग्राम बना था, उससे तुम्हारा पति पहले से ही वाकिफ है। वाकिफ ही नहीं, हमारी बातचीत को रिकॉर्डिंग भी उसके पास है, जुगल किशोर ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए गंभीर स्वर में कहा। ये नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ, विश्वास करो। नहीं नहीं की रट छोड़ दो, और भी बहुत कुछ हो चुका है। हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग तो दूर, हमारी बातें भी उस तक नहीं पहुँच सकती, वो बेचैनी से बोली। बचपना छोड़ो, सतपाल गुलियानी तुमसे बहुत समझदार है, वो यूं ही इतना बड़ा ज्वेलर नहीं है। तुम ऐसे ही अरबपति नहीं बन गया, तुम उसे यूं ही हवा में उड़ाती रही, जबकि वो हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं है, जुगल किशोर ने सपाट स्वर में कहा। तुम दोनों मियां बीबी में आपसी बातें जो बातें हैं वो तो हैं ही, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो जान चुका हूँ कि तुम दोनों में तगड़ी लड़ाई चल रही है। जुगल किशोर उसे नहीं बताना चाहता था कि सतपाल के जरिए वह जान चुका है कि वो कितनी कमीनी और घटिया औरत है। यह बात सुनकर वो भिदक सकती थी कि 20 करोड़ उसके हाथ से निकल सकते थे। वह व्याकुल गंभीर निगाहों से जुगल किशोर को देखती रही। उस नीले हीरे की अंगूठी के बीच छोटे से हीरे को कटोरी की शक्ल देखकर बीच में बग लगा रखा है। बग, यह क्या होता है? यह बहुत पावरफुल यंत्र होता है, जिसके पास हो उसकी बातचीत दूर तक सुनी जा सकती है। ओ, रमा गुलियानी की चेहरे पर कठोरता उभर आई। देख लो, मैं सच्चे मन से तुम्हें चाहता हूँ, तभी तुम्हें यह सब सच सच बता रहा हूँ, वरना सतपाल गुलियानी की धमकी सुनकर कोई और होता तो कब का बाग खड़ा होता। अपना विश्वास जमाने के लिए जुगल किशोर ने यह शब्द कहे। वो जुगल किशोर को देखती रही, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। कीड़े लग रहे होंगे अब इससे। सतपाल ने तुम्हारे पर 2 प्राइवेट जासूस लगा रखे हैं, वही बग से तुम्हारी बातचीत और हरकतों पर निगाह रखते हैं, बातों की रिकॉर्ड भी करते हैं और टेप कैसेट सतपाल को देते हैं। इस तरह सतपाल के पास तुम्हारी सारी हरकतों की जानकारी रहती है। तुम्हारी कोई भी हरकत सतपाल से छिपी नहीं है। हर महीने करीब 1.5 लाख रुपया वो प्राइवेट जासूसों को देता है। मेरी तुम्हारी बातों की कैसेट सतपाल ने मुझे सुनाई। रमा गुलियानी के चेहरे पर मरो जैसे भाव होने लगे। इसलिए आज के बाद जब भी कोई खास बात हो तो नीले हीरे की अंगूठी से छुटकारा पाकर बात करना। और क्या ही? कह रहा था सतपाल, उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। सोच रही होगी कहीं उसकी हरकतों का कच्चा चिट्ठा तो उसे नहीं बता दिया। कुछ नहीं, कैसेट सुनाकर मुझे बोला कि वो सब जानता है। अगर मैं 2 दिन के भीतर रमा को छोड़कर होटल खाली करके नहीं गया तो वह पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देगा। तुमने क्या कहा? रमा गुलियानी ने फीके स्वर से पूछा। मैंने कहा 2 दिन बाद चला जाऊँगा। चले जाओगे? उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन उभरा। पागल हो तुम? यह तो मैंने उससे कहा। जुगल किशोर के स्वर में अपनापन आ गया। रमा, मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया है और वो तुम हो। तुम्हें इस तरह दुखी हालत में छोड़कर नहीं जाऊँगा, साथ लेकर ही जाऊँगा। इसके लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटूँगा। जुगल, उसका स्वर कांपा। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। हम दोनों यहाँ से चुपके से भाग चलेंगे। ना तो उन 2 जासूसों को मालूम हो पाएगा हमारी हरकतों के बारे में, और न ही सतपाल को पता चलेगा। जब पता चलेगा तो जाने हम कहाँ होंगे। लेकिन हमारे इस तरह भाग जाने से समस्या हल नहीं होती, रमा गुलियानी शब्दों को चबाकर बोली। क्या मतलब? यहाँ से निकल चलने का मजा तो तब है जब 20 करोड़ के जेवरात भी हों। खाली खाली तो सब सोच लिया है मैंने। क्या जेवरात भी हमारे साथ होंगे? अब यह नहीं हो सकता। क्यों? सतपाल को सब मालूम हो चुका है, वह सतर्क हो गया होगा, मुझ पर नज़र रखता है। और जुगल किशोर मुस्कराया। मैंने कहा था ना कि मैंने सब सोच लिया है। क्या क्या सोचा है तुमने?
जुगल किशोर ने एक तरफ रखे लेटर के मीडियम साइज के सूटकेस की तरफ इशारा किया। वह सूटकेस देख रही हो? हाँ, मैंने इसे अपने कमरे में ले जाकर रख लो। जब सतपाल का मुंबई मैनेजर मुंबई से जेवरात का सूटकेस लेकर तुम्हें दे, तो उस सूटकेस में से उन सारे जेवरातों को निकालकर इस सूटकेस में भरकर चुपके से मेरे हवाले कर देना। तुम्हारे हवाले? हाँ, क्योंकि सबसे पहले उन जेवरातों को तुम्हारे सूट से निकालना ज़रूरी है, जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन तुम उन जेवरातों का क्या करोगे? अब वह कुछ संभली सी लगी। लेकर भाग जाऊंगा? जरा जरा से सवाल मत करो, तुम ही बताओ। जब तुम सारे जेवरातों को हीरे सूटकेस में भरकर मुझे दोगी तो मैं क्या करूंगा? जुगल किशोर की आवाज़ में तीखापन आ गया। रमा गोलियानी ने समझने वाली निगाहों से जुगल किशोर को देखने लगी। रमा, जुगल किशोर समझाने वाले अपनेपन वाले स्वर में कह उठा, अब जिंदगी भर हमें साथ रहना है, साथ जीना है और साथ मरना है, और यह तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे पर विश्वास करके चलें। मैं तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ और तुम जरा जरा से सवाल जवाब कर रही हो। ऐसे में तुम पूछती हो कि तुम मुझे भी काम करने का मेरा मन नहीं है। ऐसे ही तुम पूछती पाछती कि तुम जरा जरा से सवाल जवाब कर रही हो ऐसे में तुम पूछती पाछती रही तो फिर कुछ भी काम करने का मेरा मन नहीं करेगा। रमा गोलियानी ने हौले से सिर हिलाया। सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सतपाल के दोनों जासूस तुम पर नज़र रखे हैं, मुझ पर तो नहीं। बोलो, ठीक है, तुम सूटकेस मुझे दोगी, मेरी कार पार्किंग में खड़ी है, फिएट कार है सफ़ेद रंग की, कहकर जुगल किशोर ने शराफत से कार का नंबर ठीक ठीक बताया। मैं सूटकेस लेकर होटल पार्किंग में खड़ी कार में पहुंच जाऊंगा, साथ ही तुम्हें खबर कर दूंगा। वो दोनों जासूस अगर मेरे हाथ में सूटकेस देखते हैं तो यही सोचेंगे कि मैं होटल छोड़कर जा रहा हूं। उधर मेरी खबर के मुताबिक तुम होटल के पीछे वाले रास्ते में से चुपके से बाहर निकलोगी और चक्कर काटकर होटल के सामने वाले प्रवेश गेट पर खड़ी हो जाओगी। जब यह वक्त आएगा तब टाइम फिक्स कर लेंगे मिलने का। मैं कार पर होटल के बाहर निकलूँगा और तुम बाहर ही होगी, मैं तुम्हें लूँगा और आधे घंटे में हम इस शहर से बाहर होंगे। रमा गोलियानी उसे देखे जा रही थी। हमारी योजना सफल रहे उसके लिए इससे बढ़िया और आसान तरीका नहीं है हमारे पास। इस दौरान तुम अब भी मुझसे मिलोगी या फ़ोन पर बात करोगी तो नीले हीरे की उस अंगूठी को वार्डरोब में बंद कर देना। मैं नहीं चाहता कि हमारा प्रोग्राम लीक होकर सतपाल तक पहुँचे। हम सफल रहेंगे, रमा गोलियानी की आवाज़ में शंका थी।